नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम आपके लो एंड पीसी के लिए। सो वेल गाइस, लो एंड पीसी मतलब एक्सट्रीम लो एंड पीसी। अगर आपके पास एक पुराना पीसी है तो और आप ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं वो भी अच्छे ग्राफिक के साथ, तो दोस्तों ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड साथ ही साथ मैं डाउनलोड लिंक भी देने वाला हूँ, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप पहले वीडियो देख लें, जो गेम पसंद है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर आप पुराने विजिटर हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, देखो लाइक करना जरूरी है ना। चलो ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला गेम है, उसका नाम है द गॉड फादर 2, एंड इस गेम को आपने कभी ना कभी अपने पीसी या लैपटॉप पे खेला ही होगा। सो वेल गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों गॉड फादर 2 एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है, साथ ही साथ ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है। इसमें आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है एंड यहाँ पर आफ्टर मिशन आप इधर उधर घूम फिर सकते हो। एंड इस गेम को डेवलप किया गया था ईए रेडवुड शॉर्ट्स के द्वारा, एंड इसे पब्लिश किया गया था दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्ट के द्वारा, एंड इसे रिलीज किया गया है 7th of April 2009 को। एंड वेल गाइस, ये गेम साथ ही साथ आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। गॉड फादर 2 गेम है, ये बेसिकली फिल्म से डेडिकेटेड है, मतलब 1974 को फिल्म रिलीज हुआ था गॉड फादर पार्ट 2 करके, मतलब इसका पार्ट 1 भी है, तो उसी सीक्वेंस में ये गेम बनाया गया था। सिस्टम रिक्वायरमेंट बता दूं कि आपके पास मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर रैम की बात करें तो मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें दोस्तों 212 MB बस आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। एंड प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम का कोई भी सीरीज का प्रोसेसर है तो आप आराम से इस गेम को खेल सकते हैं। स्पेस की बात करें तो मिनिमम दोस्तों 5 या 6 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप। एंड इसे भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। सेकंड गेम है, उसका नाम है डेड आइलैंड। तो थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ दोस्तों, डेड आइलैंड गेम है वो आपका सर्वाइवल गेम है, मतलब एक हॉरर गेम भी आप इसे बोल सकते हो, साथ ही साथ एक्शन एडवेंचर गेम है। ये भी आपको ओपन वर्ल्ड मिलता है, मतलब आपको इस पे ज़ॉम्बी को मारना रहता है एंड कुछ कैंपिंग करना रहता है। इसको डेवलप किया गया था टेकलैंड के द्वारा, एंड दोस्तों इसे पब्लिश किया गया डीप सिल्वर के द्वारा, एंड बेसिकली ये गेम रिलीज किया गया था 6 September 2011 को, एंड ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज, प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स 360, मतलब आप ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म में इस गेम को प्ले कर सकते हो। एंड यार, इस गेम को मतलब डीपली, मतलब सिंपल वे में बोला जाए तो दोस्तों इस गेम में आपको ज़ॉम्बीज को किल करना पड़ता है एंड आपको आगे मिशन को कंप्लीट करना रहता है। तो इनको खेलने के लिए आपके पास रैम मिनिमम 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो रैम भी नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। एंड स्पेस की बात करो तो मिनिमम 7GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप। अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। तीसरा गेम है, उसका नाम है आर्मा 2, एंड आर्मा 2 से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। आर्मा 2 एक ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि आप बोल सकते हो मिलिट्री से डेवलप एंड पब्लिश किया गया है बोहिमिया इंटरैक्टिव के द्वारा। गाइस ये गेम रिलीज किया गया था 17 जून 2009 को, एंड इस गेम को आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो एंड मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, मतलब आपको पूरा इसमें मिशंस पार करना रहता है, एकदम सीओडी जैसा गेम है। मतलब इसमें आपको मिशंस कंप्लीट रहते हैं एंड कैंपिंग करना पड़ता है, जैसे कि हर एक पूरा बोल सकते हो एक सीओडी जैसा गेम है। सो, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यार आर्मा 2 किस सिस्टम रिक्वायरमेंट में चलने वाला है, क्या इसके लिए हमें हाई एंड पीसी चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके पास रैम 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 256 MB होना चाहिए, एंड प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी पेंटियम का प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा। बट हाँ, आपकी पीसी या लैपटॉप पे स्पेस 10GB के आसपास खाली होना चाहिए। तो अगर आप इसे भी खेलना चाहते हैं तो आप अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे फोर्थ गेम के ऊपर, एंड जो हमारा फोर्थ गेम है उसका नाम है स्लीपिंग डॉग। जी हां दोस्तों, स्लीपिंग डॉग आपने कभी ना कभी खेला होगा। GTA 5 अभी तक पॉपुलर चल रहा है, वैसे स्लीपिंग डॉग लो एंड पीसी में अभी तक पॉपुलर चल रहा है, मतलब अभी भी स्लीपिंग डॉग को बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीपिंग डॉग के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। दोस्तों स्लीपिंग डॉग एक एक्शन एडवेंचर एंड ओपन वर्ल्ड गेम है जिसे डेवलप किया गया था यूनाइटेड फ्रंट गेम, एंड वेल गाइस ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है गेम। आप प्लेस्टेशन में भी खेल सकते हैं, एक्सबॉक्स 360, पीसी, विंडोज, मैंने सभी प्लेटफॉर्म के लिए अभी गेम उपलब्ध है, मोबाइल को छोड़ के। अगस्त 2012 को रिलीज किया गया था, एंड इस गेम का जो खास बात है दोस्तों, सिंपली आपने GTA सीरीज तो खेला होगा, सेम उसी का सीक्वेंस आप बोल सकते हो इस गेम को। तो इस गेम में आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, आफ्टर मिशन आप इस
गेम में इधर उधर घूम सकते हो, मतलब कार वार एरोप्लेन वरोप्लेन सब चला सकते हो। एंड बेसिकली जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो भी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मैं जो स्लीपिंग डॉग का मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आपको रिवील कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके पास रैम 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो दोस्तों मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास डुअल कोर मिनिमम होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। इस गेम को भी डाउनलोड करना है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जगह डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। फिफ्थ गेम है, उसका नाम है फायर क्राई 2। एंड फायर क्राई की सीरीज से आप बखूबी वाकिफ है कि फायर क्राई की सीरीज बहुत ही ऑसम रहते हैं, बट फायर क्राई 2 आपके लो एंड पीसी के लिए एकदम सुटेबल है। सो वेल गाइस यहां पर मैं फायर क्राई 2 के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस कर लेना चाहता हूं। वो एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जो कि आप ओपन वर्ल्ड भी बोल सकते हो। इसमें आप ओपन वर्ल्ड भी आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि डेवलप किया गया था यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड दोस्तों इसे पब्लिश भी किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। रिलीज किया गया दोस्तों 21st of October 2008 को। गेम बहुत ही पुराना है बट अभी भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप इसका फर्स्ट वर्जन भी खेल सकते हो फायर क्राई, वो भी आपके लो एंड पीसी पे चल जाएगा। एंड वेल गाइस फायर क्राई 2 आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। बेसिकली इस गेम में आपको सर्वाइव करना रहता है। एंड बेसिकली इसमें आपको मिशन भी मिलते हैं, आफ्टर मिशन आप इधर उधर घूम सकते हो। इसमें भी आपको ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलता है। एंड दोस्तों इसका ग्राफिक्स बहुत ही ऑसम है, मतलब आपके लो एंड पीसी में गेम आराम से चलेगा मक्कन जैसा। सो वेल गाइस इस गेम का जो मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देना चाहता हूँ। सो रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम का कोई भी सीरीज हो में ये गेम आराम से चल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। सिक्स नंबर वाला गेम है, उसका नाम है स्टेट ऑफ डीके। बेसिकली एक सर्वाइवर गेम है जिसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। स्टेट ऑफ डीके एक सर्वाइवर गेम है जिसमें कि आपको एक्शन एडवेंचर एंड हॉरर का भी मज़ा मिलता है। बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड का आपका एक्सपीरियंस होता है। इसमें आपको जॉम्बीज को मारना रहता है एंड यहाँ पर आपको कैंपिंग मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। एंड इस गेम को रिलीज़ किया गया था 5 जून 2013 को। ये भी गेम बहुत ही पुराना, बट पुराने के साथ दोस्तों इसका ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड आपके लो एंड पीसी के लिए बहुत ही सूटेबल गेम है। एंड आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने के लिए। एंड को डेवलप किया गया है अनडेड लैब, पब्लिश किया गया है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो के द्वारा। एंड बेसिकली सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। तो जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं है, आपके लो एंड पीसी में आप आराम से इसे खेल सकते हो। सो वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो दोस्तों मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास कोर स्टूडियो होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर गेम के ऊपर। सो वेल गाइस जो हमारा 7th नंबर वाला गेम है उसका नाम है गन 2005। एंड बेसिकली आप इसे बोल सकते हो, इसमें आप रेड डेड रिडेम्पशन 2 का भी मज़ा ले सकते हो, मतलब पूरा काउबॉय जैसा है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न थीम जैसा आपको पूरा यहाँ पर लुक मिलता है। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि ये गेम आपका एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग के साथ साथ ओपन वर्ल्ड है। डेवलप किया गया है नेवरसॉफ्ट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया था एक्टिविजन के द्वारा। एंड बेसिकली सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। इनको रिलीज़ किया गया था 5th November 2005 को। एंड बेसिकली बताऊँ तो यार गेम बहुत ही अमेजिंग है, मतलब गेम पुराने होने के साथ पूरा यार एक्शन, मतलब पूरा फन से भरा हो। जो गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है। मतलब की बात करो तो मिनिमम आपके पास 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम का कोई भी प्रोसेसर हो तो इस गेम को आप आराम से खेल सकते हो। 8 गेम के ऊपर दोस्तों जो हमारा 8th गेम है, जो हमारा 8 नंबर वाला गेम है उसका नाम है ओवरडोज। सो वेल इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों ये गेम जो है आपका ओपन वर्ल्ड है, साथ साथ ये 3rd-person शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया था डेडलाइन गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया था SCI गेम्स के द्वारा। एंड ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, प्लेस्टेशन 2, मतलब आप ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म में इस गेम को खेल सकते हो। इस गेम को रिलीज किया गया था दोस्तों 16 सितंबर 2005 को। एंड यार इस गेम का ग्राफिक्स का क्या कहना, एंड साथ ही साथ जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। बेसिकली यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड मतलब क्या बताऊँ इस गेम के बारे में दोस्तों। इसमें आपको बेसिकली यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं एंड आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद बेसिकली आप कहीं भी इधर उधर सिटी में घूम सकते हो। एंड साथ ही साथ जो गेम्स का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों टोटल ओवरडोज को खेलने के लिए आपके पास मिनिमम रैम 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात हो तो मिनिमम हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करो तो अगर पेंटियम का कोई भी
प्रोसेसर है आपके पास तो आराम से ये गेम आपके पीसी या लैपटॉप पे चल जाएगा। और स्पेस की बात करूं तो मिनिमम 1.5 जीबी के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। अगर आपको ये गेम पसंद आता है और डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। 8th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है Fallout 3। सो वेल गाइस, बेसिकली ये भी आपका एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है, साथ ही साथ एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें कि आप स्टार गेमिंग के द्वारा एंड इसे पब्लिश भी किया था बेस्ट स्टार सॉफ्टवेयर के द्वारा। एंड बेसिकली फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। यहाँ पर आपको मिशंस मिलते हैं एंड मिशन के साथ साथ जितना मेरे को पता आई थिंक यहाँ पर आपको कुछ एलियंस को मारना रहता है एंड स्टेप बाय स्टेप आपका जो मिशन है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो एंड वेल गाइस, इस गेम को जो रिलीज़ किया गया था वो 28th ऑफ अक्टूबर 2008 को। गेम पुराना होने के साथ दोस्तों गेम बहुत ही अच्छा है एंड ये भी आपका सभी प्लेटफॉर्म के लिए ऑलमोस्ट उपलब्ध है। एंड जो इस गेम को जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो बहुत ही कम है, मतलब आप अपने लो एंड से लो पीसी बेबी से आप खेल सकते हो। रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम का कोई भी अगर आपके पास प्रोसेसर है तो आप इस गेम को आराम से खेल सकते हो। एंड स्पेस की बात करें तो मिनिमम 9 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप इस गेम को खेलने के लिए। अगर आपको ये गेम पसंद आता है और इसे अगर आपको खेलना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे 10th नंबर वाले गेम के ऊपर एंड जो हमारा 10th नंबर वाला गेम है वो है GTA 3। एंड दोस्तों GTA 3 का क्या कहना, मतलब GTA 3 आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार तो खेला ही होगा। ये भी एक आपका एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया था DMA डिजाइन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है रॉकस्टार गेम ने। एंड भी बोल सकते हैं जो फिक्स क्वालिटी दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छा है। आपके जो लो एंड पीसी है इस ये गेम आपके में बहुत ही स्मूथली चलेगा। एंड बेसिकली ये भी आपका ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें भी आपको मिशन कंप्लीट करने रहते हैं एंड आफ्टर मिशन आप इधर उधर घूम सकते हो। एंड दोस्तों ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए, इनफैक्ट ये आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी खेल सकते हो एंड iOS डिवाइसेस पे भी खेल सकते हो। सो बल्कि जो इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। दोस्तों रैम मिनिमम आपके ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 16 MB आपकी पीसी या लैपटॉप पे ग्राफिक कार्ड्स होना चाहिए। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो पेंटियम का कोई भी प्रोसेसर हो तो इस गेम को आप आराम से खेल सकते हैं। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 2 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। अगर आपको इसे भी डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बस आज की वीडियो बस इतना ही था। यही कुछ टॉप 10 लो एंड पीसी ओपन वर्ल्ड गेम थे आपके पीसी या लैपटॉप के लिए। एंड इनमें से कौन सा गेम आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए एंड अगर आपको कोई भी ऐसा दिक्कत आता तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड वेल गाइस, वेट, ऐसे मत जाओ यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो। आई एम वेटिंग यार। ओके, दबा दिया। एंड दोस्तों बेल आइकन है उसे दबा दो क्योंकि नोटिफिकेशन ऐसे यूट्यूब भेजता नहीं है, तो प्लीज़ उसे ऑल में कर लेना।